इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है गौतम बुद्ध नगर से, जहां पर ईवीएम मशीन जो खराब हुई थी, ईवीएम खराब हुई थी वो अभी तक ठीक नहीं हुई है। डॉक्टर राजेंद्र इंटर कॉलेज में बूथ नंबर जहां पर मशीन खराब हुई थी, अब वापस लौट रहे मतदाता। एक बड़ी खबर, एक चिंताजनक खबर, अभी तक ईवीएम बदलने की प्रक्रिया जारी है। तकरीबन एक घंटे का वक्त गुजर चुका है। एसएसपी और डीएम ने मतदान केंद्र का जायजा लिया। एक घंटे तक इंतजार करने के बाद अब यह खबर आ रही है कि जो मतदाता हैं वो वापस लौट रहे हैं। एक घंटे से यहां पर मतदान रुका हुआ है। राजेंद्र इंटर कॉलेज बूथ नंबर 79 पर जो ईवीएम मशीन खराब हुई थी वो अभी तक ठीक नहीं हो पाई है। ईवीएम को बदलने की प्रक्रिया जारी है। इस वक्त की एक अहम खबर, और इस तरह की दिक्कतों की वजह से लोगों का जो उत्साह होता है उसमें बहुत फर्क पड़ता है। अब बहुत संक्षिप्त में इस पर एक टिप्पणी जादौन साहब आपकी, ये कहां पर कमी दिखाते हैं? एक बड़ा, बहुत बड़ा एक पर्व है, बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं, तो इस तरह की चीजें हो ही जाती हैं, इस तरह से इसको देखें, या फिर यहां पर थोड़ी सी चूक भी नहीं होनी चाहिए? नहीं, देखिए चुनाव आयोग की चूक है, चुनाव आयोग को पूरे पुख्ता इंतजाम करने चाहिए। अब ईवीएम मशीन खराब हो गई तो उसकी स्टैंड बाई तुरंत रखी जानी चाहिए। आखिर में फिर ये इंतजाम क्या है? ये सरासर जो है एक संवैधानिक संस्था के प्रमुख जो है उनकी फेल्यूअर है। अब राजनीतिक दलों में तो आपस में चलता रहता है कि तुरंत इस्तीफा मांग लिया जाए, रेल एक्सीडेंट हो गया, फलानी हो गई, तो क्यों ना इनको भी हटाया जाए तुरंत। कि इतनी, मैं तो ये सोच रहा हूँ, पिछले चुनावों में इतनी बड़ी संख्या में मशीनों को खराब होने की सूचनाएं नहीं मिली थी जितनी इस बार मिलती दिखाई दे रही है। कभी ये दिखाई दे रहा है कि बटन किसको दबाया जा रहा है, वोट किसको जा रहा है, ये क्या है? आखिर में ये क्या है, इसको क्या माना जाए? मैं ये कहता हूं कि आप सरकार पर सवाल क्यों उठाते हैं? आप तो चुनाव आयोग पर उठाइए। आयोग के प्रमुख क्या कर रहे हैं? आप मोदी सरकार पर निशाना साधेंगे, वो साधेंगे? अरे इमीडिएट रेस्पॉन्सिबल पर अथॉरिटी तो जो है सुनील अरोड़ा है, सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, क्यों ना उनसे सवाल किया जाए। इसमें कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि इस तरह के जो फेल्यूअर पर तुरंत जांच हो। इनकी कौन जांच करेगा? ये तो तमाम तरह की जांच खड़ी कर देते हैं। ये अधिकारी है, यहाँ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो गया, फिर ये संहिता जिसको जिसका उल्लंघन हो रहा है, लोग इसके लिए तो आखिर मतदाता वापस रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। मतदाता है कि आप चुनाव आयोग के प्रमुख हो गए तो यानी आपके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है, यानी आपकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ये कैसे हो रहा है? तो इसको ठीक किया जाना चाहिए। बिल्कुल कुरैशी जी, मैं बिल्कुल जादौन साहब से 100% सहमत हूँ कि इस इतना बड़ा उत्सव जो मनाने जा रहे हैं और इतने सालों से हम उसकी तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए फंड्स की कोई कमी नहीं होती, मैन पावर की कोई कमी नहीं होती, और इस तरह का अगर ये बात होती है तो सचमुच में ये एक बहुत ही चिंता का विषय है और इसके ऊपर गहन। अजय गौतम साहब, इत्तेफाक होता है या कहीं पर कुछ चीज़ें होती हैं कि एक घंटे से मशीन बदलने की प्रक्रिया जारी है, खराब हुई है, मतदाता वापस लौट रहे हैं, ये खबर आ रही है? देखिए जादौन साहब ने बड़ा क्लियरली और स्पष्ट बताया है कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन है कहीं ना कहीं वो इसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि सरकार का ज्यादा इंटरफेयर इसमें उस टाइम पे नहीं होता। जैसे अभी इलेक्शन है तो अभी इंटरफेयर नहीं है। इनको अपनी तैयारी के साथ में या उसी मतदान पे एक स्पेयर मशीन रखनी चाहिए या नियर बाय किसी मतदान पे एक दो मशीन रखनी चाहिए। और ऐसी टेक्निकली प्रॉब्लम आ सकती है, कभी भी इस पे ये नहीं कह सकते कि हम कभी नहीं आएगी, ये आ भी सकती है। तो उसके लिए इलेक्शन मंत्री बार बार कहते हैं कि वो अली अली करते हैं तो हम बजरंग बली करते हैं, संजीव बालियान कहते हैं कि बुरके की आड़ में फर्जी वोटिंग हो रही है, ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। ये वो सरजमी है जहां अली का भी सम्मान है, जहां बजरंग बली का भी सम्मान है, जहां जीसस का भी सम्मान है, जहां वाहेगुरु का भी सम्मान है। ये वो सरजमी है जिस सरजमी के अंदर सभी लोग मिलकर के आपस के अंदर मोहब्बत और भाईचारे के साथ रहते हैं। इसलिए ये जो बजरंग बली को और अली को बांटने की साजिश करने वाले लोग हैं, इनको बेनकाब करेगी जनता। एक आखिरी सवाल है, क्योंकि गठबंधन ने भी हर जगह पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, आपके सामने भी उम्मीदवार है, तो क्या वोट जो है वो बटेगा नहीं भाजपा के खिलाफ अगर आप लोग लड़ रहे हैं तो? गठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं है, गठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं है। सहारनपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार हमारे साथ हैं। हम बात कर रहे थे केवल ढिंगरा जी, आपकी भी एक प्रतिक्रिया, जो दिक्कतें हो रही हैं ईवीएम मशीन्स में, या कहीं पर मशीन खराब हो रही है, कहीं पर मतदान एक घंटे तक रुका हुआ है, इसको किस तरह से देखा जाए? देखिए इसमें आपको एक चीज क्लैरिटी है कि जहां पे मशीनें खराब होती हैं उसको दुरुस्त साथ के साथ होना चाहिए, उसका अल्टरनेट होना चाहिए।
लेकिन सवाल उठा रहे थे अभी राजेंद्र जी कि जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर, तो ये एक बहुत बड़ी संस्था है और इंडिपेंडेंट संस्था है, लेकिन उसके बीच में अगर 66 पूर्व नौकरशाह अगर उसके ऊपर चिट्ठी लिखते हैं और ये सवाल उठाते हैं कि ये जो संस्था है ये ठीक से काम नहीं कर पा रही, तो ये एक बहुत बड़ा विषय है। इसके ऊपर भी विचार जो है वो होना चाहिए। जिस तरह की अभी इस सारे 5 साल के प्रक्रिया में सारी की सारी स्वतंत्र एजेंसियां जो हैं उनका उनका जो दुरुपयोग इस सिस्टम में हो रहा है, उस सारी चीज को देखते हुए कहीं ना कहीं ये भी नजर आ रहा है कि जो चुनाव आयोग है उसके ऊपर किस तरह की लोग टीका टिप्पणी के ऊपर शुरू हो रखे हैं, और जो काम होने चाहिए, अगर 66 नौकरशाह ने एक लेटर लिखी है प्रेसिडेंट को कि जो जो चुनाव आयोग है वो ठीक से काम नहीं कर रहा, और जिस तरह से उसमें ट्राई के जो वो है सीईओ है प्रसार भारती के और विदेश सचिव है शिवशंकर मेनन और जिस तरह से अदर कई दिग्गज हैं, उन सभी लोगों ने इस तरह की बात कही है। आनंद संवारिया जी, ये बड़ा एक सवाल है, इसके ऊपर बीजेपी बिल्कुल जो है शांत हो जाती है, काम बताना चाहिए तो क्यों हो रहा है ऐसा। अभी कुरैशी जी आपने एक सवाल पूछा था, स्पेसिफिक सवाल पूछा था और सारे लोगों ने उसका जवाब दिया था, बट मैं बौखलाहट समझ सकता हूं मेरे कांग्रेसी प्रवक्ता की कि वो इस वक्त मुद्दा लेकर के आ रहे हैं कि 56, अरे आप लोगों ने तो महाभियोग चलाना चाहते थे सुप्रीम कोर्ट पे, तो ये आज का मुद्दा नहीं है, जो कोताही हुई है वो उसको पूरी तरह। अगर नमो टीवी चलता है, अगर नमो टीवी चलता है बगैर लाइसेंस हो गया सेंसर हो गया, अरे सुनिए नमो टीवी के बारे में हो चुका, अरे फिल्म बनती है आप तो वो इलेक्शन कमीशन ने कर दिया, लेकिन जब आप वो जो न्याय की बात करते हो तो 60 साल का न्याय कहां गया? न्याय मांगता है हिंदू, हिंदू न्याय मांगता है, बीजेपी के ऊपर सवाल करने की बात आप कर रहे हो, वो न्याय मांगता है सर, ये हिंदू मुसलमान के बगैर जवाब दे रहा हूं, वो न्याय मांग रहा है सर। एक मिनट, हिंदू मुसलमान के बगैर अली बजरंगबली के बगैर चुनाव नहीं हो सकता क्या देश के अंदर? नहीं, क्यों? मैं कहना चाह रहा हूं जो ये न्याय की बात कर रहे हैं, जो बात चल रही थी कि संजय राय साहब न्याय मांग रहा है भारतवर्ष। एक सवाल ये भी था कि उत्तराखंड की 5 सीटों पर चुनाव हो रहा है, उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर चुनाव हो रहा है, देश की 91 सीटों पर इस वक्त पहले चरण का मतदान हो रहा है, सैनिक हमारे बहुत ज्यादा तादाद में होते हैं, वो भी वोट डालते हैं, उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो ये वो सरजमीन है जहां से सेना में बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं, और जो उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं यहां से भी एक बड़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं। सैनिकों के लिए भी बड़ी बड़ी बातें की गई थी पिछले वक्त संजय राय साहब जी, वन रैंक वन पेंशन की बात की जाए, सरकार का कहना है कि हमने वो करके दिखाया। एक सैनिक वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, तो ये चीजें क्या है, कितना विश्वास सरकार जीत पाई, सैनिकों की क्या भूमिका देश के अंदर होती है? चुनाव आयोग पहले भी कह चुका था कि सैन्य के नाम पर पुलवामा के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे, इस वक्त सैनिकों का जो मूड है वो क्या दर्शाता है? बिल्कुल, सैनिकों का मूड अभी उत्तराखंड में चूंकि 80% वहां पर जो पॉपुलेशन है वो सैनिकों के परिवारों से है या वो सैनिक है, उत्तराखंड के अंदर विशेष रूप से, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी गांव से जो भी हमारे युवक निकल के आते हैं वो अर्धसैनिक बलों में और फौज के अंदर बेहिसाब हैं। हमारे यहाँ सैनिकों से भरा पड़ा है पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, साथ ही साथ अभी हिमाचल में आज चुनाव नहीं है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। वन रैंक वन पेंशन में भी कुछ विसंगतियाँ हैं, वो रह गई हैं, जिसको लेकर के आज भी सैनिक धरने पर बैठे हैं दिल्ली के अंदर, सरकार से मांग कर रहे हैं, वो पूरी नहीं की गई, वो गोल गोल उनको बातें बता दी गई कि हम ये काम कर रहे हैं ये काम कर रहे हैं, वो चीज़ क्लियर नहीं हुई है। दूसरी चीज़ है उन पर भी उनको एक चाहिए, अर्धसैनिक बलों को पूरी सुविधाएं नहीं दी जा रही, वादे किए गए, हर सरकार ने वादे किए, सैनिकों के साथ हर समय अन्याय हुआ है, वो हमारे लिए हमें इस समय नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो राष्ट्र की सुरक्षा और हर चीज़ पे मामला आता है, लेकिन सैनिकों के बारे में कोई भी नहीं, उनके परिवारों के बारे में नहीं सोचता है, उसके बारे में एक सोचने की ज़रूरत है और वो इस बार का उत्तराखंड का चुनाव बताएगा, क्योंकि 5 सीटों पर चुनाव है, एक सैनिक का पुत्र जो कि वहाँ के सांसद भी हैं भुवन चंद खंडूरी, वो भी वहाँ पर चुनाव मैदान में, उनका शिष्य भी जो कि वहाँ पर तीरथ सिंह रावत, वो भी चुनाव पर, लेकिन वहाँ पर लड़ाई क्या हो गई है, वहाँ पर भूल गए लोग कि सैनिक है और सैनिक का पुत्र है या शिष्य है या क्या है, वहां पर लड़ाई हो गई है ठाकुर और ब्राह्मण की। अच्छा,
वहां लड़ाई दूसरी है, वहां ठाकुर और ब्राह्मण की लड़ाई है। मतलब सैनिक भूल गए लोग, सैनिक भूल जाते, पार्टियां भूल जाते, हर चीज भूल जाते। मैं गढ़वाल लोकसभा सीट को मैं बराबर देखता आया हूँ, क्योंकि मैं वहां से ताल्लुक भी रखता हूं, तो इसलिए मैं उस चीज को बोल सकता हूं और बखूबी बोल सकता है। वहीं टिहरी सीट पर आप देखिए कि वहां पर महारानी जी चुनाव लड़ रही हैं, महारानी जी कभी जनता के बीच में नहीं आते, उनका एक प्रोटोकॉल रहता है। प्रीतम सिंह वहां के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, जो कि पहले भी हमारे पत्रकार साथियों ने बता दिया कि उनकी क्या चीज किस तरीके की स्थिति रही। हरिद्वार की बात है, वहां पर एक पत्रकार ही चुनाव में पिछली बार सांसद थे, क्या किए उन्होंने धर्म पर लेकर के, और उनकी जो वहां के मठ हैं, जो वहां पे जो बाबे लोग हैं उनके बीच में अच्छी पकड़ है, इस वजह से चुनाव जीत किया है। लेकिन स्थानीय और बाहरी का मुद्दा हरिद्वार के अंदर काबिज रहेगा नैनीताल पे, और दो एक मिनट बहुत संक्षिप्त में, नैनीताल का मुद्दा है, वहां हरीश रावत मजबूत कैंडिडेट हैं, उनके सामने अजय भट्ट जो कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और उनके पास प्रभारी भी हैं और सब कुछ है, उनका मुद्दा रहा है। वहां पर भी लड़ाई ब्राह्मण और ठाकुर की है, साथ ही साथ लड़ाइयां वहां पे जातिगत है और बहुत अच्छे मुद्दे। यानी जब भाषणों में सैनिक सैनिक होता है, बाकी सब सब जातियों में बढ़ जाते हैं। डॉक्टर आनंद संवारिया जी, नहीं नहीं, मैं ये उत्तराखंड की बात है विशेष रूप से। नहीं, मैं संजय जी का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने एक्स सर्विसमैन के वेलफेयर के बारे आज आपके नेशनल चैनल पे ये मुद्दा उठाया, और मैं एक सैनिक, भूतपूर्व सैनिक होने के नाते ये बता देना चाह रहा हूँ संजय जी को आपके माध्यम के द्वारा कि संजय जी करीबन 25 लाख एक्स सर्विसमैन मेरे भारतवर्ष में हैं, और उस एक्स सर्विसमैन की जो दुर्दशा 2014 से पहले की थी, मैं वो वर्णन नहीं करने जा रहा हूँ। एक सैनिक को आपने निलंबित किया जो प्रधानमंत्री के खिलाफ है, वो भी याद रखिएगा। सैनिक मैं डिबेट में ड्यूअल कर लेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस ओ आर ओ पी की बात आपने की, वन रैंक वन पेंशन की बात, मैं वन दूसरे वाली ओ आर ओ पी की, कांग्रेस वाली ओ आर ओ पी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 48 साल तक सरकारें थी भारतवर्ष में, सरकारें थी, फौजी भी थे, कभी सोचा? ये तो रेवाड़ी में जब नरेंद्र भाई मोदी एक कैंडिडेट डिक्लेयर हुए और तब ये सैनिकों की बात हुई, पहले वाली कांग्रेस ने क्या किया जब हमने कहा, अब सुन लीजिए ना, फिर बोल लेना, फिर बोल लीजिए, फिर बोल लीजिए, फिर वो 500 मेरी सरकार ने शॉर्ट सर्विस कमीशन थे, शॉर्ट सर्विस कमीशन, सैनिकों को फायदा पहुंचाने की बात हो रही है, हर चीज को, हर चीज को राष्ट्र शॉर्ट सर्विस का कोटा होता था वो भी कम कर दिया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो शॉर्ट सर्विस कमीशन इलेक्शन का था वो भी कम कर दिया, इमरजेंसी कमीशन जो थे उनको किसने देखा, वो हमने देखा, उनको किया। उत्तराखंड चलते हैं, नीरज जी, सेना का एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है चुनाव के दौरान। उत्तराखंड की बात अगर करें तो यहाँ पर लगभग हर घर से कोई ना कोई सेना में होता है। क्या है रुझान इस बार, जिस सेना के बार बार बात करके, जिसका नाम ले लेकर राजनीतिक पार्टियां सियासत कर रही हैं, उस सेना और उनके परिवार वालों का सोचना क्या है? नसीम भाई, बिल्कुल आपने सही कहा कि उत्तराखंड एक बहुत बड़ा जो है सैनिक भौगोलिक क्षेत्र है, और आप देखेंगे कि जब भी कहीं कोई शहादत की बात आती है देश भर में, कहीं चाहे वो अर्ध सैनिक बलों की बात हो या आर्मी की बात हो, तो उसमें उत्तराखंड के एक शहीद का नाम जरूर होता है, और हमेशा से उत्तराखंड का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है देश की सुरक्षा में, सेना में कंट्रीब्यूशन रहा है। और अभी ये पौड़ी सीट का एक जिक्र आ रहा था, तो आप देखेंगे लंबे अंतराल से जो है पौड़ी सीट जो है जनरल खंडूरी जो है लगातार वहां जी आपकी कुछ दिक्कत हो गई, टेक्निकल दिक्कत। केवल ढिंगरा जी, इस वक्त का जो चुनाव है, हम लगातार इस पर बात कर रहे थे, क्या बीजेपी के खिलाफ जो आप लोगों ने प्रचार किया राफेल को लेकर और तमाम चीजों को लेकर, क्या देश के लोगों के दिमाग पर ये चीजें असर करने वाली हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है, जो जिस तरह से भ्रष्टाचार के लिए बात जब होती थी तो ये किस तरीके से बात उसका रिएक्शन देते थे, कभी कोर्ट में गए, कभी और, कल फिर परसों कोर्ट के अंदर सीधी जो एप्लीकेशन लगी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि उसके ऊपर जांच होगी। तो ये सीधी सीधी क्लियर वर्डिक्ट है इस बात का कि राफेल के अंदर हम, कांग्रेस ने लगातार इनसे जेपीसी की मांग की, लेकिन इन्होंने जेपीसी नहीं बनाई। और अगर कोर्ट में भी इस मामले को लेके गए तो अभी भी वो मामला खुला हुआ है,
और इस मामले में क्लैरिटी होनी चाहिए कि रफेल की जो कीमत थी वो क्या थी, और इन्होंने उसके बीच में डायरेक्ट डील जो मोदी जी ने रफेल के मामले में की, और कितनी अमाउंट का जहाज, कितनी अमाउंट का खरीदा गया, और उसकी पहली अमाउंट कितनी थी, ये सारा मुद्दा जो था ये भ्रष्टाचार अच्छा, के साथ जुड़ा हुआ था। यूपी और इसके साथ और उत्तराखंड की सीटों पर भी चुनाव हो रहा है, कहीं ना कहीं कांग्रेस कमजोर नजर आती है यूपी में गठबंधन के मुकाबले में, लोग गठबंधन पर ज्यादा यकीन कर पा रहे हैं, अगर बीजेपी के खिलाफ वोट कर रहे हैं तो गठबंधन को ज्यादा यकीन कर रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं देखिए, गठबंधन जो है हमारा पहले कई देर से यूपी के अंदर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और इस तरह से पहले चलता भी रहा, लेकिन जहां तक इस बार की बात है तो इस बार जिस तरह से वहां पे वो पार्टियां जो हैं वो कांग्रेस के साथ उस तरीके से खुल के बातचीत नहीं कर पा रही थी, या कांग्रेस को वो इतना मजबूत नहीं मानते थे, कांग्रेस वालों को अपने ऊपर बहुत ज्यादा फख्र था कि नहीं तो हम तो हैं बहुत कुछ, दो सीटें क्या, अब तो हम 20 सीटें से ज्यादा जीत लेंगे। देखिए हम तो सीधी, अब फिर क्या होता है कि इससे पार्टी का नुकसान भी होता है, तो हम तो सीधी सीधी इस बार 73 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं वहां पे, और सीधा सीधा ये डायरेक्ट वो है कि उसके अंदर फिर सभी जगह हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता भी रहेंगे, मुजफ्फरनगर में भी नहीं उतारा आपने, बागपत में भी नहीं उतारा, तो वो तो सम्मान कर रहे हैं एक दूसरे का, ये तो सम्मान कर रहे हैं, और दो तीन जगह उतारा भी नहीं, नहीं ये तो इन्होंने परोक्ष रूप से पीछे से गठबंधन के साथ हो गए ना, हाँ ये तो उनको सफेद गठबंधन वालों ने भी तो नहीं दिए ना, रायबरेली में और अमेठी में उन्होंने भी नहीं दिए, वही तो कह रहे हैं कि गठबंधन के साथ ही तो हैं ये लोग। राय साहब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि वहां पे हम सभी जगह अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं यूपी के अंदर, इसलिए हम अपने जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और पूरा सिस्टम यूपी के अंदर लॉन्च कर रहे हैं, हमने प्रियंका जी को इस मामले में पूरा इंचार्ज बनाया वहां पे, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, चल रहे हैं लगातार हम उसमें बढ़ रहे हैं, आप आगे चल रहे हैं, बीजेपी भी आगे चल रही है, गठबंधन भी आगे चल रहा है, बाकी 23 मई को पता चलेगा कि आगे कौन रहा। सर जादौन साहब बहुत संक्षिप्त में आखिरी प्रतिक्रिया आज के चुनाव को लेकर, पहले चरण के चुनाव को लेकर, मतदाता वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं और देश को क्या चाहिए? देखिए ये चुनाव मोदी जी के लिए बड़ी कड़ी परीक्षा का चुनाव है कि मोदी जी ने जो रोड मैप बहुत अच्छा था 2014 में ये लेके आए थे रोड मैप, लेकिन जिस तरह से अपेक्षाएं थी और रोड मैप के अनुसार काम होना चाहिए था उतना काम नहीं हुआ, क्योंकि स्टार्टअप उन्होंने जो है उसमें दीर्घकालीन समाधानों की कल्पना व्यवस्था करने का प्रयास किया था, लेकिन उस तरह से हो नहीं पाया, उसको आप नाकामी भी कह सकते हो या ये कह सकते हो और प्रयासों की भी जरूरत है, लेकिन लोगों के मुद्दे बरकरार हैं, बेरोजगारी अपनी जगह है तो तमाम जगह, लेकिन कुछ गलतियां भी कर ली इन्होंने बीच में, नोटबंदी ले आए, जीएसटी को जिस फॉर्म में लागू करना चाहिए था उस प्रॉपर तरीके से लागू नहीं किया, नोटबंदी से तमाम तरह की समस्याएं खड़ी हो गई, एक आम आदमी परेशान हुआ उससे, हर वर्ग परेशान हुआ, वहां जाति भेद नहीं था। ठीक है अजय गौतम साहब आखिरी प्रतिक्रिया। देखिए नासिर साहब मैं बताना चाहूंगा, ये बिल्कुल सही बात है, 2014 का घोषणा पत्र हर नागरिक ध्यान में रख के वोट करेगा, 2 करोड़ नौकरियों का हो या 100 स्मार्ट सिटियों का बात हो, IIM का हो, महंगाई को, कालाधन और 15 लाख, इन चीजों को जरूर ध्यान में रखेगा वोटर, उसको देख के ही वोट करेगा। और एक 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 एक, एक टिप्पणी में करना चाहूंगा, योगी आदित्यनाथ जी ने जो कल परसों में अली और बजरंग बली वाली बात कही है, उन्होंने ये बोलकर अपने एक बहुत बड़े धड़े को शिफ्ट कर दिया है बसपा और सपा में, अच्छा। क्योंकि जो अली की बात करके नहीं, जो इनके साथ जो लोग थे एक समाज के वो शिफ्ट हो गए, और बसपा और इनका अपना जो धड़ा था वो तो है ही, तो वहां पर जीतने के जो पूरे सुशील कुमार जी आखिरी प्रतिक्रिया सर, क्या ये चीजें अभी दिमाग में रहेंगी अली बजरंग बली, और क्या इनकी जरूरत है आज की राजनीति में देश को? नहीं, जिस तरह उत्तर प्रदेश में थोड़ा जाति और धर्म की राजनीति अपनी जड़ें जमाई हुई है, उसमें इन बातों को बेअसर कह पाना बड़ा मुश्किल है, असर कितना होगा ये विषय हो सकता है, बट बेअसर होंगी ये कहना मुश्किल है, और सियासी तौर पे देखा जाए तो 80 सीट वाले उत्तर प्रदेश में हर बात का असर होता है, हर वायदे का असर होता है, क्योंकि हर प्रकार के मतदाता उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ लोगों में समाहित हैं।